वाराणसी से एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फावड़ा से 5 लोगों पर प्रहार कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 3 लोगों को हल्की चोट आई है। दोनों घायलों का BHU ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। बता दे, बीती रात लगभग 8 बजे प्रकाश मांझी नाम के युवक ने भेलूपुर थाना रेवड़ी तालाब में फावड़ा लेकर बाइक से आया और बीच रोड पर फावड़ा हाथ में लेकर वहां लोगों पर धौंस जमा रहा था। तभी लोग कुछ समझाते कि वह फावड़े से हमला करने दौड़ा, जिसे देख लोग इधर उधर भागे। मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश मांझी नेपाली से रेवड़ी तालाब के युवक से झगड़ा हुआ था, इसीलिए वह नेपाली युवक आया और मुस्लिम युवकों पर हमला किया। जब तक पुलिस प्रशासन आते वह फरार हो गया। घायल अंसार अहमद और मो शाहिद BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। घटना से आक्रोशित लगभग 200 की संख्या में लॉन भेलूपुर थाने का घेराव कर प्रकाश मांझी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे और नारे भी लगाए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर प्रकाश मांझी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद DCP, ADCP, ACP समेत 4 थानों के फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामला रवड़ी तालाब इलाके का है। इस घटना के बाद पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई है। वाराणसी से शमीम हसन की रिपोर्ट।